सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में बन रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर सेकंड का निरीक्षण किया है। इस रोड के बनने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों से जनता को राहत मिलेगी। और भी खासियत है इसमें, लेकिन खासियत है क्या वो दिखा रहे हैं हम। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या से लोग काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं, ऐसे में अभी मैं आपको बताऊं कि अंडर एक्सटेंशन रोड जिसका निर्माण किया जा रहा है, इसी को लेकर इसका मुआयना आज परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं, ज्यादा जानकारी आखिर क्या क्या खासियत है इसको लेकर वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज आप मुआयना कर रहे हैं, कब तक जो है ये बनकर तैयार हो पाएगा और क्या कुछ खास है? देखिए, ये रोड दिल्ली की लाइफलाइन है, क्योंकि इससे दिल्ली के अंदर का ट्रैफिक एकदम काफी कम हो जाएगा, प्रदूषण भी कम हो जाएगा। यहाँ से जो जीटी रोड आता है, जहाँ से शुरुआत हुआ है, वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब इस रोड से 20 मिनट में जाएंगे। और ये पूरा रोड जो है दिल्ली जयपुर, दिल्ली मुंबई, बाद में यहाँ से आगे चलकर हम लोग इसको उधर देहरादून वाले रोड तक आगे जुड़ता है। तो ये कितने वैसे 75 किलोमीटर, एक्चुअल रोड 35 है, पर इसको आजू बाजू के जोड़ने वाली कनेक्टिविटी भी हम बना रहे हैं। 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मुझे विश्वास है कि इससे जल दिल्ली का एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन दोनों में कमी आएगी। सर, लागत को लेकर अगर बात करें और साथ ही में पोल्यूशन का जिस तरीके से ग्राफ बता रहे हैं कि वो भी कम हो जाएगा, वैसे आम जनता को क्या कुछ राहत? देखो, प्रदूषण दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली के जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो एयर पोल्यूशन के कारण ही है। अगर दिल्ली का प्रदूषण कम हो जाएगा तो आजकल विदेशों से लोग दिल्ली आने के लिए कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। तो मुझे लगता है दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए मेरे विभाग की तरफ से हम लोग फ्यूल पे भी काम कर रहे हैं। अब ये हाईवे को मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जयपुर तक ई हाईवे बने, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस इसके ऊपर जाए, ट्रॉली बस जाए, डबल डेकर बस जाए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम आसान सस्ता होगा। और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये सब आ रहा है और हम चाहते हैं कि इससे निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। मैं 4 दिन पहले बंगलोर में कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो 15% वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, सिटी बस सर्विस में डालकर उनने बसेस का पायलट प्रोजेक्ट पूरा किया। तो मुझे लगता है ये सब रिवोल्यूशन है, एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिले, वो दिन अब दूर नहीं है, वो 3-4 साल में निश्चित रूप से आएगा। सर, एक आखिरी सवाल कि हाईवे पे क्या कुछ जो सुविधाएं होंगी वो उस दौरान यात्रा करते समय जनता उठा पाएगी? क्या क्या हाईवे पर क्या कुछ जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी जब यात्री गुजरेंगे? हाईवे के ऊपर हम लोग रोड साइड एमिनिटीज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ और रेस्टोरेंट्स होंगे, होटल्स होंगे, यहाँ का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट होगा, गैस स्टेशन होंगे, ताकि लोगों को उसमें सहूलियत मिलेगी और लोग वहाँ जाकर, चार्जिंग स्टेशन होगा, तो स्वाभाविक रूप से सब सुविधाएं हम दे रहे हैं। 670 रोड साइड एमिनिटीज देश में बना रहे हैं, इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, तमाम जानकारी जिस तरीके से लेकर देखा जा रहा है कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं पर इतने बड़े किलोमीटर की दूरी को तय करने वाले हाईवे को इस वक्त निर्माण किया जा रहा है और दिसंबर से पहले संभावना है कि ये जनता के लिए खुल भी जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रिया टोटल टीवी दिल्ली।